में मुझे भूटान के बीच में कहीं भी जाता हूँ यूथ को देख के बहुत मुझे आशित, और दिल्ली के बीच में आज मुझे भी यूथ के बीच में देखकर मुझे बहुत क्या है पसंद है। हालेलुया। मुझे याद रखना परमेश्वर ने आप सभी को जवानों को क्या करा हुआ है, चुना हुआ है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर काम के लिए, अपने पास्टर के साथ में, अपने कलीसिया के साथ में मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आमेन। हालेलुया। आज ये जो ग्लोबल मसीह यूनाइटेड जो ये मिनिस्ट्री है, आज ये वॉलंटियर की है, आप सभी को बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले दिन में हम प्रचार न करें, आने वाले यूथ लोग प्रचार करने पाए, बनने पाए। परमेश्वर ने बुद्धि दिया है नहीं। हालेलुया। अगर बाइबल में देखी जाए तो सबसे ज्यादा जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए पौलुस की कलीसिया में देखा तो लेडीज ज्यादा होती थी। हालेलुया। महिला क्या होती थी? ज्यादा होती थी। हालेलुया। आज भी महिला थोड़ी ज्यादा ही है। आमेन। हालेलुया। आप लोगों को सबको मार्था बनना है, हन्ना बनना है, किसके लिए? परमेश्वर काम के लिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना के योद्धा बनेंगे, जब मैसेज के साथ में और प्रार्थना के साथ में आपका अच्छा रिलेशन और संबंध होगा, मुझे लगता है कि ग्लोबल मसीह सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये ग्लोबल मसीह पूरा वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, छप जाएगा। जवानों के अंदर इतनी पावर होती है, जवानों के अंदर इतनी बुद्धि, इतने जवानों के अंदर ज्ञान होता है जो और कोई नहीं कर सकता है, पर अपने आप को आपको पहचानने की क्या है जरूरत। हालेलुया। एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। सुबह शाम जब भी समय मिलता है नीति वचन पढ़ना। आमेन। क्या पढ़ना? नीति वचन। पढ़ते बाइबल बहुत सारे हैं, नीति वचन जरूर पढ़ना। जब नीति वचन बनेंगे तो जरूर परमेश्वर आपको एक ग्लोबल के बीच में आपको सुनेमान की तरह बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष दे और बरकत दे, और प्रभु ने चाहता फिर दोबारा कभी आपके बीच में और उत्साह की बात करें। गॉड ब्लेस यू। Thank you.